शांति। आज की तारीख है 3/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा, हम ब्राह्मण बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाया और अभी हमें ब्राह्मण से देवता जैसा बना रहे हैं। तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो हम देवी देवता धर्म की आत्माएं अर्थात सच्चे सच्चे हम विष्णु हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसे हैं। तो वैष्णव क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि जो यहाँ अपने को वैष्णव कहलाते हैं वो जब भोजन आदि बनाते हैं तो पहले स्नान करके स्वच्छ होकर और फिर भोजन बनाने के लिए रसोई घर में प्रवेश करते हैं और तब वहाँ किसी को भी प्रवेश होने नहीं देते। तो हम देखते हैं कि मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं, बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। हम तो सच्चे वैष्णव हैं तो हम भोजन की परहेज भी रखेंगे शुद्ध खान पान की और फिर पवित्र भी हम सभी को अवश्य रहना है। प्रश्न है आज का, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है, वो गुण कौन सा है। उत्तर है सबसे बड़ा अवगुण है मोह विकार। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। फिर बाबा बंदरी का मिसाल भी देते हैं कि कैसे वो बच्चे को अपने गले से मरने के बाद भी चिपकाए हुए रखती है। तो बाबा कहते हैं किसी का भी कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए दिन रात, तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं अहो सौभाग्य। धारणा के लिए मुख्य सार की धारणा की दो बातें। नंबर एक धारणा की बात, बाबा कहते हैं जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है और एक बाप से ही सुनना है। उसका जो कोई भी बोले तो उसका प्रभाव अंदर तक नहीं ले जाना है, नहीं तो स्थिति हलचल में आएगी। अगर सुनना है और प्रभावित तो रहना है तो एक बाप की बातों को ही सुनकर प्रभावित रहें और स्थिति भी हमारी अचल बने। नंबर दो धारणा की बात है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान है आज का, मगन अवस्था के अनुभव के द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। बाप कहते हैं मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, देखो कितनी सारी बातें बाबा बता रहे हैं। अनेक टाइटल का स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की बातें, रूहानी नशे की बातें, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स,
बाबा ये सब 6-7 प्रकार की बातें कहते हैं स्मृति में रखो, जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होंगी। पुरुषार्थ की सहज विधि भी बाबा ने सुनाई जो हमें अच्छी लगे। फिर कभी परवश नहीं होंगे, माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया आपकी बन जाएगी। हाँ, पहला भक्त बनेगी माया आपकी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। हाँ, माया कभी भक्त बनेगी जब आप पहले मास्टर भगवान बनकर माया जीत बनोगे। स्लोगन है आपका उच्चारण और आचरण, यानी आपकी कथनी और करनी। ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।